दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, बड़ा मुकाबला खेला जाएगा एट द रणजीतली स्टेडियम इन दिल्ली। स्वागत है आप सभी का इस प्रीव्यू में। एंड विन प्रिडिक्शन इस गेम के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ आप ये विन प्रिडिक्शन यूज कर सकते हो ऑन ओपिनियन ट्रेडिंग, रियल इलेवन, माई मास इलेवन, दोनों ऐप्स के लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड एक बहुत बड़ा गिव अवे आप सभी के लिए ऑन माई मास इलेवन ऐप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाइए एंड साइन अप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट जो जैसे आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री कॉन्टेस्ट है, 5 मेंबर 1 विनर, वेरी वन ऑफ द फेवरेट कॉन्टेस्ट। यहाँ देख सकते हैं हार्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन वाला कॉन्टेस्ट, रॉयल एनफील्ड वाला कॉन्टेस्ट, काफी सारे इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट यहाँ पे। सो डोंट मिस आउट ऑन द चांस, जल्दी जाके पार्टिसिपेट करिए। एंड रिमेम्बर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। फाइनल टीम्स अपडेट सब कुछ वहीं पे आ जाएंगी, पर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मजा तभी आएगा आपको फैंटेसी खेलने का जब आप खुद की टीम बनाएंगे, खुद के रिस्क लेंगे, डेटा सब देखिए एंड सब कुछ समझिए स्टार्ट टू एंड कि कौन से प्लेयर्स अच्छा कर सकते हैं नहीं कर सकते। बट फाइनल कॉल हमेशा अपना रखिए। डू रिमेम्बर टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये कॉन्टेंट और लोग तक पहुंच पाए और सबकी आशीर्वाद हम तक बिल्कुल यहाँ पर पहुंच पाए। अब चलते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स द टैक्टिकल कॉर्नर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो रेड ग्लेयरिंग रेड है वो है दिल्ली की डेथ बोलिंग। वाइल सनराइजर्स के लिए ऑल थ्रू आप बोलिंग की बात करें तो कुछ ज्यादा हमने यहाँ पे सॉलिड फॉर्म नहीं देखा। एक टाइम ऐसा होता था कि सनराइजर्स हैदराबाद 140 बना ले और डिफेंड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता था। बट वो चीज को टाइम हो गया आईपीएल में। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग कंडीशंस एंड दोनों टीम के पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बैटिंग के विकल्प। एक जो फेज मुझे लगता है बहुत ही सॉलिड होगा वो कुलदीप अक्सर वर्सेस मार्करम एंड क्लासेन। जो भी ये फेज जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि मैच किस तरफ जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड फॉर द गेम, नथिंग ऑन दैट फ्रंट। गुड बैटिंग पिचेस हमने देखी अक्रॉस द वर्ल्ड कप। एंड अगर आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऊपर 57 मीटर की स्ट्रेट बाउंड्री है, बहुत ही ज्यादा छोटी स्क्वायर बाउंड्री, बहुत छोटी है 62 मीटर्स की। तो पहले कुछ ओवर्स में स्विंग मिला तो मिला, अगर नहीं मिला तो हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे रन्स। एंड मार्करम ने यहाँ पे वन ऑफ द फास्टेस्ट 100 ऑफ द वर्ल्ड कप बनाया। कुछ अच्छी यादें है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की यहाँ पे, सो डोंट बी सरप्राइज कि वापस वो आके यहाँ पे टर्न अप कर जाए। एक्सचेंज 22 पे भी लीडर बोर्ड चल रहा है एंड नो टीडीएस नो जीएसटी वाला ऐप है, अगर पार्टिसिपेट करना है बिल्कुल कर सकते हैं। एंड फ्री ₹100 रियल कैश ऑन साइन अप, तो बिल्कुल साइन अप करिए। ऐप पसंद आए तो खेलिए, नहीं पसंद आए तो मत खेलिए, एब्सोल्युटली योर विश। अब एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात की जाए तो यहाँ पे एक सिमिलर 11 एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों तरफ से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा बैटल है। ऑफ कोर्स नितिश रेड्डी यहाँ पे खेलेंगे एक स्लॉट में, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी शाहबाज की जगह पे यहाँ पे राहुल त्रिपाठी आ सकते हैं। तो लेट्स सी कौन आते हैं उस स्लॉट में। एंड चलते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स द दिल्ली कैपिटल्स। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डेविड वॉर्नर, ऑफ कोर्स इनके बेस्ट बैटर, एंड वर्सेस SRH 31 की एवरेज, एट Delhi 32 की एवरेज। तो अच्छे खासे नंबर्स, एक दो इंटरेस्टिंग मैचअप्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट फ्रॉम अ फैंटेसी परस्पेक्टिव, ग्रेट कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस। पृथ्वी शॉ इनके भी नंबर्स अच्छे वर्सेज SRH एंड दिल्ली। वापस एक मैचअप है इनका बड़ा सा, बट उस मैचअप को खेल गए तो इस पिच पे काफी रन ये बना सकते हैं। अभिषेक पुरेल थोड़ा इनका नंबर अप एंड डाउन होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी लो आ जाए, ये सिर्फ एक जीएल पिक बनेंगे। शे होप, अब यहाँ पे बैटिंग कंडीशंस अच्छी है तो वो हिसाब से मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लीव है, बट जो टीम्स में आप बैटर स्टैकअप कर रहे हैं वो टीम्स में बिल्कुल इन्हें लीजिएगा। ऋषभ पंत स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक, 15 मैचेस 492 रन एंड दिल्ली भी 33 की एवरेज इनकी, तो सीधा सीधा आप इनको लीजिएगा एंड द टीम। एक इंटरेस्टिंग मैचअप है जो आगे डिस्कस करेंगे, बट ये अच्छी बैटिंग पिच है तो ज्यादातर बैटर्स आपको साइड में लेने पड़ेंगे। एंड सामने इनके मयंक मारकंडे स्पिन बहुत अच्छा खेलता है ऋषभ पंत। ट्रिस्टन स्टब्स एक मैच में 2 रन वर्सेस द सनराइजर्स। सनराइजर्स की ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं फॉर इन द साउथ अफ्रीका 20। यहाँ पे फॉर्म अच्छा दिखा है, लास्ट गेम में 2 विकेट भी लेके गए थे, बट सामने वाली टीम ने इस गेम में बहुत सारे राइट हैंडर्स, तो मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इस गेम में इनका विद द बॉल रोल रहेगा, बट विद द बैट एक काफी अच्छे पिक। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर, आई थिंक वर्सेस माकरम, जैसे माकरम आ जाएंगे टू बैट ये आ जाएंगे विद द बॉल। 4 बॉल में एक बार आउट कर चुके हैं ऑलरेडी माकरम को पहले 3 रन देके। एंड सामने वाली टीम में अगर एक जो मैचअप है वो है लेफ्ट आर्म स्पिन का, जो कुछ बैटर्स को परेशान कर सकता है, तो इन पे एक नजर बनाए रखेगा। वेल कंडीशंस में भी इन्हें सूट ना करे, मैचअप्स बिल्कुल इनके फेवर में है।
कुलदीप यादव 11 मैचेस में सिर्फ 8 विकेट्स वर्सेस दिल्ली रादर एट दिल्ली। जैसे मैंने कहा यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो स्क्वायर बाउंड्रीज है बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। अगर क्लासन ने अपना बैट लॉफ्ट भी कर लिया उनका बॉल यहाँ पे 6 के लिए चला जाएगा, तो वो हिसाब से थोड़ा सा कंसर्निंग है। बट अगर हमको लग रहा है पहले इनिंग में बहुत सारे रन बन जाएंगे तो वहां पे कुलदीप का रोल थोड़ा और बढ़ जाएगा एंड कुलदीप एकदम अटैकिंग बॉलर है। मुकेश कुमार में भी मुश्किल होगा इन्हें फिट करने, स्पेशली सेकंड बॉलिंग में, फर्स्ट बॉलिंग में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। वर्सेस एसआरएच एक भी नई विकेट लिया अब तक इन 2 गेम्स। ईशांत शर्मा 8 मैच में 5 विकेट्स वर्सेस एसआरएच एंड एट दिल्ली 13 मैचेस 15 विकेट्स। तो कुछ खास नंबर्स नहीं यहाँ पे, बट एट दिल्ली कभी कभी इनिशियल मूवमेंट होती है एंड अगर वो डिसिप्लिन का कोई फायदा उठा सकता है तो वो ईशांत शर्मा होंगे क्योंकि हमने देखा विद ट्रैविस हेड एंड विद अभिषेक शर्मा आउटसाइड ऑफ स्टंप काफी बार उन्होंने बैट डाला है। आउटसाइड एज कभी मिस हो गया, एक दो बार एज हो गया बट इन्हें पता नहीं चला। बट ईशान शर्मा उस डिसिप्लिन का फायदा उठा सकते हैं, अगर पहले 2 या 3 ओवर में कुछ भी हेल्प होगी तो ये बिल्कुल उस फेज में अभिषेक या ट्रैविस हेड को परेशान कर सकते हैं। तो जब आप जीएल टीम्स बना रहे हैं बिल्कुल ये एक रिस्क है वर्थ ट्राइंग। 2-3 टीम्स में आप अभिषेक ट्रैविस हेड को छोड़ के इन्हें वाइस कैप्टन तो बना ही सकते हैं। खलील अहमद ये वापस सेम कैटेगरी में आएंगे, ये बॉल अंदर मूव करेंगे, एक साइड से ये एक साइड से ईशान। अगर कुछ भी हेल्प होगी वो फर्स्ट 2-3 ओवर्स में तो ये दोनों काम में आएंगे, उसके बाद रन ही रन। एनिक नौकिया अनलाइकली टू प्ले, जाय रिचर्डसन अनलाइकली टू प्ले, दोनों ठीक ठाक चॉइसेस है। अगर इस ग्राउंड की बात की जाए तो क्योंकि स्ट्रेट बाउंड्री बहुत शॉर्ट है वो एक डिसएडवांटेज बन जाता है इन इस टाइप के बॉलर्स के लिए एंड यहाँ पे बाउंस कुछ खास होती नहीं। मिचेल मार्श खेलते हैं तो अच्छी चॉइस बनेंगे, 5 मैच में 8 विकेट वर्सेस सनराइजर्स एंड 119 रन। सो गुड चॉइस, डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग। माई मार्श 11 पे आप एंट्री फीस भी बचाएंगे, जो दूसरे ऐप्स पे आप बड़ी बड़ी एंट्री फीस भरते हो यहाँ पे कम एंट्री फीस है तो कमीशन आपकी बचेगी, हमें भी सपोर्ट मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे अपने स्मॉल लीग्स खेलेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में भी आपकी रैंक बढ़ती जाएगी। अब चलते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ। ट्रैविस हेड ओपनिंग बैटर प्लस ऑफी एंड 1 मैच में 2 रन एट दिल्ली अब तक इनके सामने नहीं खेले। फॉर्म इनका बहुत ही ज्यादा अच्छा, हर गेम में 20 रन के नीचे एक आध ये अपॉर्चुनिटी दे ही देते हैं, इस गेम में भी दे सकते हैं। बट क्या कैच पकड़ा जाएगा कि नहीं, यू नेवर नो। सो बेस्ट टीम में आपको लेना पड़ेगा क्योंकि कैचेस तो ठन ठन गोपाल छूटते जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा सेम कैटेगरी में बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क के साथ खेल रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप जीएल टीम बनाओ 5-6 एटलीस्ट एंड इन दोनों को उनमें से कुछ टीम में ड्रॉप करो क्योंकि ये हर गेम में ऑलमोस्ट एटलीस्ट ट्रैविस हेड चांस दे चुके हैं। बट पकड़ना, रिव्यू करना, ये सब फील्डर का काम है, हमारा नहीं। एट दिल्ली इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये पहले खेल चुके हैं फॉर द दिल्ली टीम इटसेल्फ। 4 मैचेस 130 रन एंड 1 विकेट एंड सामने वाली टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स, तो मे बी विद द बॉल इनका काम ना आए बट ट्रैविस हेड का बिल्कुल आ सकता है। सेम फॉर एडन माकरम, ऑफी है ओपनिंग बैटर मिडिल ऑर्डर बैटर एंड वर्सेस दिल्ली 3 मैच में सिर्फ 53 रन। इनका थ्रेट अक्षर पटेल रहेंगे, कुलदीप भी इन्हें परेशान कर सकते हैं, 1 मैच में सिर्फ 8 रन एट दिल्ली इन T20s। ऑनरिक क्लासन बहुत ही अच्छे नंबर्स एंड वर्सेस दिल्ली 3 मैच में 87 रन, तो वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस गेम क्योंकि बहुत सारे रन ये मार सकते हैं अगर ये थोड़ा भी यहाँ पे सेट इन हो गए। प्लस यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, प्लस ये आपको कीपिंग वैल्यू दे के जाएंगे। सो ऑल इन ऑल एन अमेजिंग चॉइस। शाबाज अहमद 3 मैचेस 53 रन एंड 2 विकेट्स, बट सामने वाली टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स तो आसान नहीं होगा इन्हें पिक करना एंड ग्रैंड लीग्स में भी मुश्किल से आप ले पाएंगे इन्हें। वॉशिंगटन सुंदर 2 मैचेस 2 विकेट्स एट द वेन्यू, 5 मैचेस 5 विकेट्स वर्सेज डेली। जैसे मैंने कहा सामने वाली टीम बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स स्पेशली इन द टॉप ऑर्डर, अगर ये सेकेंड बॉलिंग करते हैं फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो दोनों साइड से आपको वैल्यू दे सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। पैट कमिंस 4 मैचेस 6 विकेट्स वर्सेस दिल्ली, एट दिल्ली 7 मैच में 11 विकेट्स, फॉर्म बहुत ही ज्यादा अच्छा, तो डेफिनेटली आपकी बेस्ट टीम में इन्हें जगह मिल जाएगी, स्पेशली अगर ये सेकेंड बॉलिंग करते हैं। फर्स्ट बॉलिंग में ज्यादातर डेथ में नहीं आते तो तब में भी आप इन्हें चांस इन पर चांस ले सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार 8 मैच 12 विकेट्स एंड एट दिल्ली 8 मैच में 11 विकेट्स। ये बिल्कुल पहले कुछ ओवर्स में जो मैंने ईशांत की बात की यही बात इन पे भी लागू बनेगी कि वॉर्नर एंड शॉ के सामने अगर कोई अर्ली ब्रेक थ्रू दिला सकता है तो वो होंगे भुवनेश्वर कुमार। टी नटराजन डेथ में आएंगे, पहले बॉलिंग में आग बंद करके टीम में ले लेना, सेकेंड बॉलिंग में अगर आपको लग रहा है सनराइजर्स बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी तो उस सिचुएशन में ले लीजिएगा।
मयंक मरकंडे ने कुछ तकलीफें हो सकती है इस मुकाबले में। ऋषभ पंत होंगे सामने, डेविड वॉर्नर होंगे सामने, पृथ्वी शॉ होंगे सामने, काफी सारे लेफ्टीज वहां पे, अक्षर पटेल भी इन्हें टैकल करने के लिए होंगे। हो सकता है ये 3 विकेट लेके 50 रन दे दें, बट अगर 3 विकेट ले रहे हैं तो बिल्कुल टीम में रहेंगे। सेकेंड बॉलिंग में आप ट्राई कर सकते हैं इन्हें। उमरान मलिक हिट द डेक बॉलर है, 3 मैच में एक भी विकेट नहीं वर्सेज दिल्ली। अगर लेते हैं, अगर खेलते हैं तो जीएल कंसिडरिंग, एल्स बेस टीम में तो नहीं ले पाओगे। तो ये रही प्लेयर्स की बात। मयंक अग्रवाल भी यहाँ पे खेल चुके हैं पहले वर्सेस दिल्ली, 10 मैचेस 348 रन एंड 10 मैचेस 177 रन फॉर दिल्ली कैपिटल के खेल चुके हैं पहले। मैचअप्स की बात की जाए इस मुकाबले में, तो पृथ्वी शॉ वर्सेस भुवनेश्वर कुमार, 35 of 35, 2 डिसमिसल्स। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैचअप यहाँ पे बन सकता है स्टार्टिंग में, अगर कुछ भी हेल्प हो। हम हमेशा बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड बैटर आते हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को निकाला जाता है फ्रॉम द अटैक, बट इन दिस केस अक्षर पटेल आउट कर चुके हैं अभिषेक शर्मा को 2 बार एंड स्ट्राइक रेट सिर्फ 75 का। सो डोंट बी सरप्राइज अगर आपको सरप्राइज एक ओवर दिख जाए फ्रॉम अक्षर पटेल इन द पावर प्ले, क्योंकि अब मैं आपको बता चुका हूँ। एडन मार्करम वर्सेस खलील अहमद, 12 of 12 and 1 विकेट। वो एंगल बिल्कुल एडन को परेशान करता है, कुछ खराब मैचअप से एडन के इस गेम में। अक्षर पटेल के सामने भी एक बार आउट हुए हैं। ऋषभ पंत वर्सेस पैट कमिंस, 19 of 15 and 1 विकेट। मे भी आप ऋषभ पंत पे एक दो जीएल टीम में चांस ले सकते हो, बट बेस टीम में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि फॉर्म बहुत अच्छा है प्लस आपको ये कीपिंग वैल्यू देके जाएंगे। तो ये रहे हमारे आज के मैचअप्स। अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम। एंड फैंटेसी टीम के पहले अगर आपने फ्री कॉन्टेस्ट नहीं ज्वाइन किया तो अभी अभी कर लीजिए। लेट्स मेक अ टीम, कीपिंग सेक्शन ज्वाइन द क्लास इन एंड ऋषभ पंत स्ट्रेट फॉर चॉइसेस, बैटिंग सेक्शन ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, पृथ्वी शॉ, डेविड वॉर्नर, ये होंगे आपके आंख बंद करके पिक करने वाले प्लेयर्स। अब डेविड वॉर्नर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं कि नहीं, वो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी थ्रेड फॉर कंसिडरेशन होगी, कि अगर वो अवेलेबल हैं तो ऑफकोर्स आपकी बेस्ट टीम में रहेंगे, नहीं अवेलेबल हैं सो उस केस में आप ऑफकोर्स यू विल हैव टू गो विथ जेक फ्रेजर मैकगर्क, जो वापस एक ठीक ठाक चॉइस है। ऑफकोर्स रिकी पॉन्टिंग ने एक अपडेट दी थी कि ही इज माइट बी फिट एंड रेडी, 85-90% फिट है। सो लेट्स सी कि क्या होता है उनके साथ, कि क्या उन्हें खिलाया जाता है कि नहीं। बट एनी वे वी गो टू दी ऑलराउंडर्स। यहाँ पे एडन मार्करन, अक्षर पटेल आपकी टीम में रहेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिक बता दिया कि अक्षर को क्यों लेना है, एंड एडन पे मे बी आप चांस ले सकते हो जीएल में, उस बात को बिल्कुल कंसिडर करिएगा। एंड बॉलिंग सेक्शन में पैट कमिंस एंड कुलदीप यादव मेरे हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस है। कुलदीप पहले बॉलिंग करते तो आप चांस ले सकते हो, बट एकदम विकेट टेकिंग सॉर्ट ऑफ बॉलर है तो आसान तो नहीं होगा उन्हें ड्रॉप करना। अब लास्ट पिक आपकी कौन सी होगी, अगर दिल्ली पहले बॉलिंग करती है तो खलील, सनराइजर्स पहले बॉलिंग करती है तो नटराजन। अगर आपको थोड़ा और रिस्क लेना है तो यहाँ पे एक और बैटर के साथ जा सकते हो। दिल्ली बैट्स फर्स्ट, यू कैन गो विद ट्रिस्टन स्टब्स। एल्स अगर दिल्ली यहाँ पे सेकंड बैटिंग करती है तो फिर आप एक्स्ट्रा बॉलर के साथ ही यहाँ पे रह लीजिएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे खलील अहमद को पिक कर रहा हूँ एज अ बॉलर। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस की बात की जाए तो कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक तो नहीं कह सकते इस गेम में, क्योंकि कुछ ना कुछ मैचअप्स एंड इंटरेस्टिंग चीजें बिल्कुल है, बट मेरे हिसाब से जिस तरीके का फॉर्म है एंड जिस तरीके की वैल्यू है, ऑनरिक क्लासन मिले होंगे कैप्टनसी पिक, इवन दो कुलदीप यादव थोड़ा सा एक्स फैक्टर बन सकते हैं उनके सामने। वाइस कैप्टनसी पिक की बात की जाए तो यहाँ पे डेविड वॉर्नर एक अच्छी चॉइस है, ऋषभ पंत दूसरी चॉइस है। अभी के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ऋषभ पंत, बट ऑफकोर्स दिस कैन चेंज बेस्ड ऑन द टॉस। फ्री कॉन्टेस्ट अभी के अभी ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, ताकि मेरा स्लॉट कोई और नहीं ले जाए। तो ये रहा हमारा आज का प्रिव्यू, आई होप आप सभी को मजा आया हो। जीएल पिक्स एंड जीएल सिनेरियोस को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं जस्ट क्विकली, 1-2 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर पहले दिल्ली बैटिंग करती है तो आप शे होप के साथ बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पे, एंड ट्रिस्टन स्टब्स की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इफ द हैदराबाद टीम बैट्स फर्स्ट देन थोड़ा सा ट्रिकी है, एज हमें पता है कि टॉप 4-5 पे ज्यादा रिलायंट है ये, बट मिचेल मार्श अगर खेलते हैं आप डेफिनेटली इन्हें कंसिडर करेंगे। हैदराबाद पहले बैटिंग करते हैं तो आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको ऑलराउंड वैल्यू बिल्कुल दे सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर एंड नीतीश कुमार रेड्डी। बोलर्स की बात की जाए तो ईशांत एंड भूवी किस सिनेरियो में आप ले सकते हो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं सुना तो बिल्कुल उन प्लेयर स्पेशली ईशांत के प्लेयर कार्ड पे जाके देखिएगा कि क्या बात की हमने वहां पे, वो सिनेरियो बिल्कुल वहां पे एक्टिवेट हो सकता है। नटराजन वाइल बोलिंग फर्स्ट, मुकेश कुमार वाइल बोलिंग फर्स्ट एंड उमरान मलिक अगर खेलते हैं एंड सेकेंड बोलिंग, मयंक मरकंडे बोलिंग सेकेंड। तो ये रहा हमारा आज का प्रिव्यू, आई होप आप सभी को मजा आया हो। मिलेंगे ऑन टेलीग्राम, अगर आपने लाइक बटन नहीं हिट किया तो अभी के अभी हिट कर लीजिए,
एंड सी यू ऑल वेरी वेरी सून. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. कोई भी पेड प्राइम वगैरह नहीं चलाते हम, सबका सब फ्री है. एंड लिंक्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन.